दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। And yes, we all are curious child. दिलों में अपनी बेताबियां लेके चलो और हवा के झोंके की तरह चलो और समंदर के लहर की तरह चलो। आप इसे पकड़िए प्लीज, तुम उसको छोड़ो ना। नहीं, I'll go myself. अच्छा। So, welcome all of you to Friday Fiesta. डबल मजा है और नो दाम, डबल मजा है और नो दाम फ्राइडे फिएस्टा आना आप। और करते क्या है हम, प्रेम और मस्ती खुद के साथ, प्रेम और मस्ती भगवान अंकल के साथ, प्रेम और मस्ती श्रेया के साथ, प्रेम और मस्ती सबके साथ। फ्राइडे फिएस्टा आना आप, फ्राइडे फिएस्टा आना आप, फ्राइडे फिएस्टा में आप सबका दिल से स्वागत है। वेलकम 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 ऑल ऑफ यू। और करेंगे हम मस्ती, मैं भी हूँ मस्ती में, तुम भी हो मस्ती में, मैं भी हूँ मस्ती में, तुम भी हो मस्ती में, आओ सब मिलके करें मस्ती 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 मस्ती, हम सब करेंगे मिलके मस्ती और मस्ती और मस्ती और मस्ती। और मुझे और एक गाना याद आया, बोल दें, तंदुरुस्ती मन दुरुस्ती की रक्षा करता है सेल्फ लव, मन दुरुस्ती की रक्षा करता है सेल्फ लव, सेल्फ लव है जहां मन दुरुस्ती है वहां खुशियां है वहां, सेल्फ लव सेल्फ लव सेल्फ लव सेल्फ लव की इस दुनिया में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग सबको मैं विनती करूंगी कि प्लीज प्लीज वीडियो ऑन वीडियो ऑन वीडियो ऑन, मुझे कोई काली स्क्रीन के साथ बात नहीं करनी है, मुझे लोगों के साथ बात करनी है। सो जितने लोगों ने वीडियो ऑन रखा है थैंक यू वेरी मच, एंड ओवर टू भगवान अंकल। भगवान अंकल आर यू रेडी? ही इज बिजी, मे बी ही इज मे बी बिजी। ओके सो ओके सो और एक गाना कर देंगे, कौन सा गाना करेंगे अंकल? आर यू रेडी? भगवान अंकल आर यू रेडी? शैल वी बिगिन? आई विल अनम्यूट यू, अनम्यूट योर सेल्फ। नो, माय पिक्चर विल बी ओके लाइक दिस? हाँ, नो वरीज, योर एनर्जी आर मोर देन मोर पावरफुल देन एवरीथिंग एल्स। गाड़ी में भी बैठो, ट्रैवलिंग भी करो और मजे भी करो। थैंक यू सो मच, वी आल्सो लव, माय प्लेजर। या अंकल, यू आर नाउ यू आर ऑन स्क्रीन। Yeah. I come back? Yes. Yeah, you okay. Are there. Yeah, we can hear you. Very good. बड़े मुस्कुराते प्रफुल्लित चेहरे के साथ आंखों को बंद करें। सुबह से लेके अब तक हम कितनी प्रकृतियों से गुजरे हैं, जरूर सबकी बात मन में आए। उसे असंग होने के लिए हो सके बैक सपोर्ट न लीजिए, अगर चाहे तो लोअर बैक में पिलो रखें भले, मगर ऊपर स्ट्रेट रहें। यू विल एंजॉय मोर। एक लंबी गहरी श्वास लें, अभी सिर्फ श्वासों के विचार। हमेशा श्वास दोनों नॉस्ट्रिल से लेना चाहिए, गले से जाएं, बैली तक जाएं, बैली थोड़ा बाहर आना चाहिए।
फिर जितना स्लो हो सके इतना स्लो एक्सेलेरेशन करना है। कितने सुंदर श्वास परमात्मा ने दिए हैं, इस श्वास में महान शक्ति है। अगर आप उसको चैनलाइज करो अपनी बॉडी के अंदर तो आपकी शक्ति मल्टीपल हो सकती है। जैसे बड़ी गाड़ी होती है, ट्रेलर होता है, ट्रक होता है, वो किस पे चलता है? वो टायर के अंदर हवा है उस पे चलता है। तो हवा को टायर में चैनलाइज किया तो वो 30 टन 40 टन वजन उठाता है। सेम वे हम अपने शरीर के अंदर ये प्राणों को चैनलाइज करेंगे तो आपकी शक्ति मल्टीपल हो जाएंगी। अब तक हम अपना जीवन बॉडी की एनर्जी से जिए हैं, अभी हम अपनी ब्रीदिंग की एनर्जी से जिए तो आप हमेशा यंग रहेंगे। एनर्जी विल बी ऑलवेज यंग। बॉडी बिकम ओल्डर बट एनर्जी नेवर बिकम ओल्डर। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपने आंखों को खोलें। लेट अस प्रैक्टिस फ्यू लाफ्टर। आई होप एवरीबडी हैज ओपन देयर विंडो। जो विंडो ओपन करेगा वो पूरा मजा लेगा, जो विंडो ओपन नहीं करेगा अपने को सजा देगा। सजा देने वाले विंडो को बंद रखते हैं। अभी आपकी ऑप्शन है सजा में रहो कि मजा में रहो। कोई किसी को देखता नहीं है, सब एक फैमिली है हमारी। ओके चलो लेट अस स्टार्ट। इसमें दो चीज रखनी है कि एल्बो को ऊपर रखना है और मुंह को अच्छी तरह खोल के जोर से, जो मैं रिपीट करता हूं आपको रिपीट करना है, और हंसते गाते हुए कुछ भी बॉडी एक्शन करते हुए करो। जितना आप लॉफ्टर बॉडी एक्शन के साथ करेंगे तो आपके शरीर से काफी टॉक्सिस निकल जाएंगे, आपकी नेगेटिविटी निकल जाएंगी, शरीर की कई बीमारियां निकल जाती है। तो ऐसे दिल खोल के करें। और जब भी हम एक्सेल करते हैं तब भी हमें हंसना है, हाँ, तो हंसते हुए एक्सेल करना है। चलें। वेरी गुड वेरी गुड। देखो जगन कितना बड़े अच्छे आवाज से किया। ऐसे आप लोगों को भी आवाज से करेंगे आपका गला खुलेगा, विशुद्धि चक्र खुलेगा, गले की जो थायराइड कभी नहीं होगा। अगर आप जोर से हंसते हो तो आपको थायराइड कभी नहीं होगा, अगर है तो उसका कमी हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हे हे हे। इतना मजा आया हंसने में, हंसने से सारे शरीर की नस नाड़ियां खुलती है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। चलो अभी नेक्स्ट करेंगे। ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल। जीवन में सब कुछ बढ़िया है, मेरे जीवन में सब कुछ बढ़िया है, बढ़िया है, तो हंसो। हंसने का कोई खर्चा नहीं है। फिर क्यों कंजूस? दिल खोल के हंसो। टेलीफोन पे बाद में बात करो। जो हंसेगा उसका घर बसेगा। आंखें बंद करके फील करो। देखो अंदर में आपका जो एक्सेस हीट है, टॉक्सिस है, निकल जाएंगे। हाथ जोड़ के, देयर आर लॉट ऑफ न्यू मेंबर्स आई कैन सी। और एक इम्पोर्टेंट बात समझ लेनी है, श्रेया जी इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं तो आपके पास कुछ पैसा भी चार्ज नहीं करती है।
आपको कम से कम दो मेंबर्स लेके आना है, हर सेशन में दो नए मेंबर्स, आपके रिश्तेदार, आपके पहचान वाले, बोलो चलो ये कितना अच्छा क्लास है, फ्री में घर बैठे मिलता है, ज्वाइन करो, ये आपकी फीस है, ठीक है? तो चलो, आई वेलकम न्यू मेंबर्स, सबको जब भी घर में कोई मेहमान आए उसको वेलकम ऐसे करो, आइए आइए आप आए, बाहर आ गई है, आप आए हमारे घर में, पॉजिटिविटी आ गई, मेहमान की कुछ सारा करो, उसके कुछ अच्छे गुण बोलो, वो खुश हो जाएंगे, देखो हम स्ट्रेट तो हमेशा कभी कभी हंसते हैं, हंसते तो बहुत कम है, मगर अगर हंसे तो सामने हंसते हैं, आज हम राइट साइड पे हंसेंगे, इतने अच्छे चंदा मामा हैं, इतनी सुहावनी नाइट है, कभी कभी बालकनी में जाके राइट साइड पे हंसो जोर जोर से, अभी लेफ्ट साइड पे हंसेंगे, कितने अच्छे आकाश है, प्रकृति का थैंक यू बोलो, कितनी अच्छी प्रकृति है, देखो हमारे हाथों में, कानों में और पैरों के तलवों में 72,000 नस नाड़ियां है, तो अपने कानों को पकड़ो अच्छी तरह, अपने कान पकड़ो, थोड़ा बाहर खींचो, पहले स्लो हंसो फिर फास्ट हंसो, कान को पकड़ो, एक एक कान पकड़ते हो, कान पकड़ो मालूम पड़े, कान पकड़ना मतलब अपनी भूल को कबूल करना, हर टाइम अपनी भूल ढूंढो, किसी की भूल मत ढूंढो, अपनी भूल ढूंढेंगे तो आपके जीवन में मजा बढ़ जाएगा, दूसरों की भूल ढूंढेंगे आपके अंदर भूल बढ़ जाएगी, कानों को रोज एक्सरसाइज दो, सॉरी एक इसमें एक और भी करना था, खींचो वापिस, तो साइकिलिंग साइकिलिंग करो, कानों को साइकिलिंग करो, साइकिलिंग करो, रिवर्स साइकिलिंग करो, रिवर्स, रोज कानों को आप ऐसे साइकिलिंग करो, आपके ब्रेन शार्प हो जाएगा, मेमोरी पावर बढ़ेगी, सारी नस नाड़ियां खुलती है, और जब भी आप जोर से हंसते हो, कान को खींचते हो, तो ब्रेन से चार केमिकल ड्रॉप होते हैं, इसको बोलते हैं डोपामाइन, ऑक्सीटोन, सेरोटोन, एंडोर्फिन, पहले तीन केमिकल्स आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करेगा, काफी बीमारियां निकल जाती है, हमारे शरीर में बीमारियां आती है जब भी हमारा हॉर्मोन्स बैलेंस में नहीं होते, हंसने से, अंदर में खुश रहने से, पॉजिटिव रहने से, ये सब केमिकल ड्रॉप होता है, ये बाजार में नहीं मिलेगा, आपको अपना ड्रॉप करना पड़ेगा, तो हमेशा सारा दिन खुश रहो, हमेशा हैप्पी रहो, बाहर परिस्थितियां आएंगी जाएंगी मगर हंसना नहीं छोड़ो, बोलो मैं अब से मैं हर रोज हंसूंगी, हर बात में हंसूंगी, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज लायन ब्रीदिंग, आंखें बड़ी बड़ी, टंग बाहर निकालो, टंग को भी रोज एक्सरसाइज दो, उसको बाहर निकालो, राइट लेके जाओ, लेफ्ट लेके जाओ, 10-15 बार,
आपकी आपकी पूरी थॉट प्रोसेस में चेंज आऊंगी, सलाविन अच्छा हो जाएगा, और कभी कभी इसको बाइट करो, बाइट करते करते स्लाइट बाइट करते करते बाहर निकालो, बाइट करते करते अंदर लियो, ये रोज करना है, आपकी फेशियल मसल्स में हेल्थ में बड़ा फर्क पड़ेगा। चलो लेट अस डू लायन लाफ्टर। तो ये आप घर में बच्चों के साथ कर सकते हो, कोई नहीं है घर में तो आप आईने में करो, आईने में करने से बहुत अच्छा होता है। आप अपने को बोलो आई एम द बेस्ट, मेरे जैसा कोई नहीं है। आंखें बंद करके फील करो, देखो कितना अंदर में लाइट एनर्जेटिक ब्लिसफुल लग रहा है, शरीर में सेंसेशंस आ रहे हैं, मतलब पुराना हमारा कचरा निकल रहा है। I think time is getting over, so I'll do the last one. घर में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो जो बात आपको अच्छी नहीं लगी सामने वाले को बोलना है, तो अगर आप डायरेक्ट बोलेंगे तो आर्ग्यूमेंट होगा, इसके लिए क्या करना है, ऐसा उंगली करें मैंने बोला था चाय में शक्कर मत डालो, नेक्स्ट टाइम नहीं डालना। ऐसे बोलने से मैसेज भी पहुंच जाता है, लाफ्टर भी हो जाता है, सामने वाला रिसीविंग भी कर लेता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम और करेंगे। अभी एक लास्ट में, हमारे जीवन में ग्रेटिट्यूड्स जो है उसका शुक्राना, सारा दिन शुक्राना शुक्राना और मुस्कुराना, एक वचन ले लो, शुक्राना और मुस्कुराना, सारा दिन मेरे को करना है, अंदर में शुक्राना बाहर से शुक्राना, और जो चाहिए उसका अफर्मेशन। ठीक है, तो अभी हम अफर्मेशन करेंगे। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं मस्त हूँ, बोलो मैं मस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ, I can do anything. Oh, I can do everything. I am very powerful. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. I bless you all. Sara din haste raho, hasate raho. Life is be very, very beautiful. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. God bless you. Thank you. So with this energy, let us close our eyes and let us go within. Mobile baad mein dekhenge, acha hai. Go within and take a deep breath. Lambi gehri saans. Shreya ji, I'm leaving and joining after 10 minutes. Yeah. Thank you. Thank you. What a commitment. Thank you, Bhagwan Uncle, for teaching us the value of commitment, the value of serving the society, value of contributing to the society, that even if he was traveling, he took his session in the car.
भगवान हम सब को इसी तरह से कमिटेड बनाए जो भी चीज हम कर रहे हैं, जो भी चीज हम फॉलो कर रहे हैं, तन मन और धन से करें, ना के सबको खुश करने के लिए, ना कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए, ना कि दूसरों के दिल जीतने के लिए, हम जो भी करें सबसे पहले अपने लिए करें कि मेरी आत्मा की क्या आवाज है, मेरे स्पिरिट की क्या आवाज है, उस अंदर के भीतर की आवाज को सुनते हुए उस पे ट्रुथफुल रहते हुए, उससे ऑनेस्ट रहते हुए बाहर हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें और कमिटेड रहे। थैंक यू माय डिवाइन फॉर गिफ्टिंग ऑल ऑफ अस दिस वैल्यूएबल अमेजिंग लेसन। अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए, अपनी बाहुएं अपने आर्मपिट से दूर रखते हुए, अपने नकल्स के थंब से नकल से हम हमारा हार्ट चक्र को प्रेस करेंगे और तन मन और धन से उस परमात्मा, उस प्रभु परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, हे परवरदिगार, हे गुरु नानक यीशु मसाई, सब में एक ही शक्ति समाई हुई है और उस शक्ति के शरण में मैं जा रही हूं, उस शक्ति की शरण में मैं जा रही हूं। Taking a deep breath in, हर एक सांस में शुक्राना और मुस्कुराना, शुक्राना और मुस्कुराना, शुक्राना और मुस्कुराना, अपने चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल रखते हुए, पूरा ध्यान अपने सांसों पे रखते हुए, सांसों की आवागमन पे ध्यान रखेंगे। फॉलो द रिदम ऑफ अवर लाइफ, रिदम ऑफ अवर ब्रेथ। थैंक यू एंड आई लव यू, थैंक यू एंड आई लव यू का सिमरन चलता रहे। थैंक यू एंड आई लव यू, थैंक यू एंड आई लव यू, थैंक यू एंड आई लव यू, थैंक यू एंड आई लव यू। सबका शुक्राना, भगवान अंकल का शुक्राना, जिस प्रभु ने इस प्रोग्राम को रचने की प्रेरणा दी उस प्रभु को शुक्राना, हम सबको एक चैनल बनाने के लिए शुक्राना कि हम सब के द्वारा ये कलेक्टिव एनर्जी से हम ब्रह्मांड में लव कॉन्शियसनेस को रेडिएट करेंगे। सो ये कलेक्टिव एनर्जीज में साथ में जुड़ने के लिए और हम सबको इंस्पिरेशन देने के लिए शुक्राना, हमारे शरीर को शुक्राना जो हमें साथ दे रहा है इधर बैठने के लिए, समय को शुक्राना कि हमारे बिजी शेड्यूल से हम समय निकाल पा रहे हैं और हर शुक्रवार को यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं एक घंटे के लिए, उसके लिए शुक्राना। हमारे हर एक गैजेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, सबको शुक्राना, केबल नेटवर्क सबको शुक्राना, हमारे परिवारजनों को शुक्राना कि वो सारे अपनी चीजें संभाल लेते हैं और यह समय सिर्फ हम अपने लिए बिताते हैं। दिस इज माय मी टाइम, दिस इज द गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम द यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड आई लव यू माय डिवाइन, आई लव यू। मेरे मन की
मेरे तन की तंदुरुस्ती, मन की परम शांति और आत्मा की उन्नति के लिए जो भी जरूरी है, मैं उस प्रोग्राम के द्वारा अपने अंदर ग्रहण कर रही हूँ। हाँ, मैं सारे संदेश पाने के लिए, सुनने के लिए तत्पर हूँ, अपने आप को बदलने के लिए तत्पर हूँ, उत्सुक हूँ। और जो भी, जहां पर भी मुझे बदलना है, वो बदलने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। Thank you, thank you, thank you. Whatever we all need to receive today, whatever we all need to listen today, Divine is guiding through us. Divine is going to make us listen to it. अपने भीतर बस के, अपने अंदर हम सिर्फ एक बार झांक के देखेंगे कि जीवन में कौन सी चीज हमें एकदम आसानी से हमारे पास मिल गई है, हमारी लाइफ में, हमारे करियर में, हमारे रिलेशनशिप्स में, परिवार में, कौन सी चीज हमें एकदम आसानी से मिल गई है। लेट अस इंट्रोस्पेक्ट। और धीरे से हम अपनी आंख खोलेंगे and let us come back to this moment. Thank you, and I love you. Let us come back to this session. Slowly and steadily, let us open our eyes. And how are you all feeling? Wonderful, ma'am. Amazing. Top of the world. Thank you, Rupa. So, hum baat yahan par karenge. Thank you, Veena. After a long time, आपको देखा मैंने, अच्छा लगा। Okay, yeah. So मैं आपको ये question जैसे पूछा कि आपको कौन सी चीज आपके specially professional life में, या आपके student life में, या आपके रिश्तों में, कौन सी चीज एकदम आसानी से मिल गई आपको? कुछ ध्यान में आता है किसी को? ट्रस्ट मिला मुझे। हाँ, ट्रस्ट आसानी से आ गया आपको? मुझे मेरी फैमिली से जो मिला। ओके, फैमिली से जो ट्रस्ट मिला वो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, वेरी गुड, सुपर। स्पेशली यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी अचीवमेंट्स के बारे में, कि कोई अचीवमेंट जो आपको एकदम आसानी से मिल गई हो, जहां पे आपने कोई ज्यादा मेहनत नहीं की हो, जहां पे एकदम आसानी से आपकी गोदी में आके बैठ गया हो, किसी ने लॉटरी के टिकट लाके रख दी और आप लॉटरी जीत गए हो, या फिर आप कोई अवार्ड जीत गए हो, या कोई एग्जाम में एकदम अच्छे अव्वल नंबर से पास हो गए जबकि आपने कोई मेहनत ही ना की हो, एंड कोई अचीवमेंट आपको मिली हो, तो कैसा लगता है आप लोगों को जब एकदम आसानी से आपके पास वो चीज मिल जाती है, तो कैसा लगता है? Let it be an interactive session. या गोदोली? Top of the world, just in nine clouds. Nine clouds, beautiful. और else क्या फीलिंग आती है?
That's like a miracle happening. Miracle, feeling like a miracle yeah. that is happening, miracle, yeah. happening, beautiful. और क्या फीलिंग आती है? Yes, Kanis. Yeah, feeling happy and everything is easy. Everything is so easy, right? कई बार ऐसा होता है कि अरे सचमुच यकीन नहीं आता, इतनी आसानी से कैसे आ गया, इतनी आसानी से मुझे इतना बड़ा रिवॉर्ड मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया, डिग्री मिल गई, या जो भी बोनस मिल गया, इतना आसानी से सचमुच. कितनी बार हमें उस पर डाउट आता है इसी चीज पे कि सचमुच मेरा नाम ही था ना, तूने सही पढ़ा ना, मुझे ही मिला है ना, तूने दूसरी बार पढ़ ले. जैसे कि आप एग्जाम का लिस्ट में आपका लिए दिख रहे हो, रैंकिंग दिख रहे हो, और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि आपको अच्छे मार्क्स मिले हो, और आप वहां पे बोर्ड पे नाम लिखे हुए हैं, और शायद आपका नाम टॉप 5 या टॉप 10 में हो, और आप देख रहे हो, तो आप वापस झोंक जाएंगे और वापस देखेंगे मेरा ही नाम था ना, फिर वापस देखेंगे कि नंबर कौन सा है, अरे इतना अच्छा, वाओ व्हाट अ मिरेकल. सो हमें वो चीज यकीन नहीं आती कि इतनी आसानी से कैसे मिल गया और ऐसा क्यों लगता है. और कई बार जो इतनी आसानी से मिल जाता है ना, उसकी हम वैल्यू भी नहीं करते. ऐसा लगता है चलो ठीक है, शायद इस बार मेरे स्टार्स अच्छे होंगे ना, इसीलिए मिल गया होगा, या इस बार शायद जो टीचर होंगे वो बहुत लीनियंट रहे होंगे इसलिए मिल गया होगा. पेरेंट्स भी वही बोलेंगे, वो तो तेरे टीचर ने बहुत लीनियंटली चेक किया होगा इसीलिए तुझे इतना अच्छा मिल गया होगा. सुना है आप लोगों ने, ऐसा होता है जो चीज एकदम आसानी से आपको मिल जाए, जहां पे आपने कुछ ज्यादा काम नहीं किया हो और एकदम आसानी से आपको मिल जाती है, और वहां पर हम यही लगाते हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं है, कुछ तो झोल हुआ है या गड़बड़ हुई है या मिस्टेक हुई है, तभी जाके इतने आसानी से मिला है. अरे ऐसा होता क्यों है? इसीलिए होता है, या वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, इसीलिए होता है क्योंकि हमने बचपन से सुना हुआ है कि मेहनत किए बिना कुछ भी मिलता नहीं है, मेहनत के फल मीठे होते हैं, मेहनत किए बिना कुछ भी मिलता नहीं है, हार्डवर्क किए बिना कुछ भी मिलता नहीं है, स्ट्रगल किए बिना कुछ भी मिलता नहीं है, पसीने भी बहाए बिना कुछ भी मिलता नहीं है, चप्पल घिसे बिना कुछ भी मिलता नहीं है, मिडनाइट का तेल जलाए बिना कुछ भी मिलता नहीं है. सुना है आप लोग सब लोगों ने, इज इट कॉमन डायलॉग्स? मोस्ट ऑफन दिस इज अ कॉमन डायलॉग, और पेरेंट्स के पास से हमने बचपन से ये सुना हुआ है. पेरेंट्स क्यों ये बात करते हैं? ताकि बच्चा ज्यादा मेहनत करे, ज्यादा फोकस्ड रहे, और इसीलिए मेहनत करे, है ना? मम्मी ऐसे ही बोलती है ना. सो इसीलिए तो जब हम ये सुनते हैं कि हाउ टू गेट मोर बाय डूइंग लेस, जो आज का सब्जेक्ट है कि हाउ टू गेट मोर बाय डूइंग लेस, आप लोगों को लगेगा ये क्या, मैंने कुछ ठीक से सुना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई ना, श्रेया ने टॉपिक लिखने में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी. ऐसा भी कोई टॉपिक होता है कि हाउ टू गेट मोर बाय डूइंग लेस? सचमुच पॉसिबल है? कितने लोगों को लगा, आप लोगों को लग रहा है, आर यू ऑल, क्योंकि एक तो स्क्रीन आप लोग सबकी बंद है, वीडियो सबके ऑफ है, मुझे लगता है आज मुझे नरेश जी को देख के बातें करनी है, बाकी वीडियो सबके ऑफ है. सो कोई तो बात करो, कोई तो अपना वीडियो खोलो ताकि मैं किसी के साथ बात करूं. सो बेसिकली जब हम यह सुनते हैं कि हाउ टू गेट मोर बाय डूइंग लेस, तो हमें लगता है कि ये कुछ गड़बड़ है, ये कुछ झोल है, ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज इम्पॉसिबल, और मे बी मेरे स्टार्स अच्छे होंगे तभी मिलेगा, या कोई मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा तभी मिलेगा. क्योंकि हमारे दिमाग में एक बिलीफ बहुत स्ट्रांग बचपन से बसा हुआ है, जाने अनजाने में हमने खरीदा हुआ है, और वो बिलीफ है लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल, लाइफ इज ऑल अबाउट हार्डवर्क एंड हार्डशिप, लाइफ इज ऑल अबाउट नसीब, नसीब अच्छे हैं तो मिल जाएंगे, नहीं तो इट्स ऑल अबाउट हार्डवर्क, हार्डवर्क एंड हार्डवर्क. सो जब हम ये बिलीफ रख के लाइफ को जीते हैं, तो क्या लगता है, लाइफ आसान मिलेगी?
सब कुछ आसानी से हमारे जीवन में आएगा। बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है क्योंकि जो हम मानते हैं वही होता है। सो लेट्स रिपीट, व्हाट एवर आई बिलीव, व्हाट एवर आई थिंक, यूनिवर्स सेज तथास्तु तथास्तु, व्हाट एवर आई बिलीव, व्हाट एवर आई से, यूनिवर्स सेज तथास्तु तथास्तु, व्हाट एवर आई बिलीव, व्हाट एवर आई फील, यूनिवर्स सेज तथास्तु तथास्तु, एंड व्हाट एवर आई बिलीव एंड व्हाट एवर आई ट्रस्ट, universe says tathastu 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 tathastu। तो आप अगर सबसे पहले अगर वही मानने वाले हो कि कुछ भी जीवन में आसानी से नहीं मिलता, अगर यही आपका बिलीफ है तो क्या होगा? आपने ऑलरेडी अपनी एक जन्म कुंडली लिख दी है जिसपे लिखा है कि मुझे हर एक दिन हर एक पल हर एक जगह पे स्ट्रगल करनी है और स्ट्रगल करने के बाद ही मुझे कुछ मिलने वाला है। तो जब मैंने मेरे अंदर इतना एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ बना दिया है कि लाइफ इज स्ट्रगल, लाइफ इज हार्डशिप, देन वही मिलना है हमें। तो सबसे पहले आर वी रेडी टू चेंज दिस बिलीफ, आर वी रेडी टू चेंज द बिलीफ दैट एवरीथिंग इज कमिंग टू मी इजीली, एवरीथिंग इज कमिंग टू मी, एवरीथिंग इज कमिंग टू मी इजीली, everything is coming to me easily, everything is coming to me easily। Are you going to repeat after me? Life is easy, life is simple, 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 life is easy, life is simple। और अभी आंखें बंद करके अपने भीतर जाके ये बोलो, और जस्ट जब बोल रहे हो तो फील द एनर्जी, व्हाट आर यू फीलिंग, व्हाट आर द थॉट्स व्हिच आर कमिंग अप ऑन द सरफेस। सो जस्ट क्लोज योर आईज एंड रिपीट आफ्टर मी, लाइफ इज इजी, लाइफ इज सिंपल, लाइफ इज इजी, लाइफ इज सिंपल, लाइफ इज इजी, life is simple, and just observe the thoughts, what is coming up on the surface, are you feeling it or are you having doubts about it, aur aap bol rahe ho shayad ki ye to sirf bolne ki baat hai, bolna to bahut aasan hai, लेकिन सचमुच आके हमारी जिंदगी जी के देखो, हमको पता है कि लाइफ कितनी डिफिकल्ट है। आप लोगों में कई लोगों को ऐसा फील होता होगा। हाउ डिड यू फील, डू यू वांट टू शेयर ऑन द चैट बॉक्स कि लाइफ इज इजी, लाइफ इज सिंपल, वुड यू लाइक टू बिलीव इट, वुड यू लाइक टू ट्रस्ट इट, वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट योर एनर्जीज एंड अटेंशन देयर। लाइफ इज ईजी, लाइफ इज सिंपल। इमेजिन करो एक बचपन से एक बच्चे के दिमाग में रोज अगर माँ उसको बोलती है कि लाइफ इज ईजी, लाइफ इज सिंपल, लाइफ तो बहुत आसान है, अरे सब कुछ ऐसे आसानी से आ जाता है, चुटकी में आ जाता है, बस तू ये ब्रह्मांड से बात कर और ऐसे चुटकी में आ जाता है, ब्रह्मांड तो हमारा दोस्त है और जो बोलो मिल सकता है, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है। अगर मैं इस तरह से मेरी बिलीफ सिस्टम हो और इस तरह से मेरे भीतर अगर ये कहानी चल रही हो और अगर बचपन से तो डाली गई, तो सुभान अल्लाह वो बच्चे का जीवन बदल जाएगा, जन्म कुंडली बदल जाएगी। लेकिन चलो हम तो अभी बड़े हो चुके हैं, जो भी हमारी उम्र हो, अगर आज से हम अगर यह विश्वास करना शुरू करें कि लाइफ इज ईजी एंड लाइफ इज सिंपल, डू यू थिंक विल इट हैपन 100%? अभी जो हम लाइफ में मुश्किलें अनुभव कर रहे हैं, अभी जो लाइफ में हम मुश्किलें अनुभव कर रहे हैं, उसका कारण ही वही है क्योंकि बचपन से हमारा ब्रेन वॉशिंग किया गया है, प्रोग्रामिंग किया गया है कि लाइफ इज डिफिकल्ट एंड लाइफ इज स्ट्रगल एंड लाइफ इज हार्डशिप, क्योंकि पेरेंट्स को डर रहता है कि बच्चे बिगड़ जाएंगे, बच्चे मेहनत नहीं करेंगे, बच्चे इधर उधर गलियों में भटकते रहेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे और मस्ती मजा में उनका जीवन रहेगा। इसीलिए बचपन से, ताकि बच्चा एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहे, इसीलिए उसको बार बार बोला जाता है
कि लाइफ इज इजी, लाइफ इज डिफिकल्ट, लाइफ इज डिफिकल्ट, लाइफ इज डिफिकल्ट, लाइफ इज स्ट्रगल, तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें मेहनत करनी है. बट आज से अगर हम सब ठान लें कि रोज रात को बोलते हुए सो जाए, लाइफ इज वेरी सिंपल, लाइफ इज वेरी इजी, एंड एवरीथिंग कम्स टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली, जब मैं ये बिलीफ बनाना शुरू करूंगी, अपने आप चीजें भी बदलती जाएगी. बिकॉज रात को जब हम जो भी बोलते हुए सो जाते हैं, वह विचार और फील करते हैं. फील करना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इमोशन, व्हाट इमोशन इज, एनर्जी इन मोशन. जब हम ये बातें करते हुए और ये सोचते हुए सो जाते हैं, गाते हुए सो जाते हैं, सबकॉन्शियस मन यही एब्जॉर्ब करता है एंड देन वो वही रिक्रिएट करता है. हमारे जो पहले के बिलीफ सिस्टम है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, रिप्रोग्रामिंग होना शुरू हो जाता है. बट अनफॉर्चुनेटली हमारा प्रोग्रामिंग अलग हुआ है, और प्रोग्रामिंग अलग हुआ है तो कहीं ना कहीं हम अलाइनमेंट चुक जाते हैं. व्हेन देयर इज स्ट्रगल, व्हाई देयर इज स्ट्रगल, बिकॉज इफ देयर इज सम इंटरनल अलाइनमेंट इज मिसिंग. जब मेरे भीतर का अलाइनमेंट मिस हो रहा है तब जाके लाइफ में स्ट्रगल आती है. अगर मेरे भीतर सारी चीजें अलाइनमेंट में है तो लाइफ हमें सब कुछ देने ही वाली है. सो व्हाट इज एन अलाइनमेंट एंड हाउ टू गेट दिस अलाइनमेंट? अलाइनमेंट कैसे आएगा हमारी जिंदगी में, आपको क्या लगता है? सो आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू नाउ, एंड प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स और अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक. यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल अनम्यूट यू. व्हाट इज अलाइनमेंट फॉर यू? And what do you think? How can we get aligned? Get aligned. And I want to hear from you. What is alignment for you? For me, it's a water break. What is alignment for you? Everything going smoothly, any obstacles. Yeah, Vandana Arora, please share. Vandana, So, alignment is basically aligning to the order of the universe, you know. So how everything is here, you know, in this vast universe, everything is for giving. Okay, so nobody looks at what is going to be in return, given back in return. For example, if you look at air, trees, oceans, or you know, these examples, fruits, everything is come here for giving. And there's an order in the universe. So even human being is come into this world for something like for that. However, we get into disalignment or so we get out of alignment. So alignment is to be in line with the order which prevails in the universe, and that's what I understand. Okay. Yeah, thank you, Vandana. Thank you for sharing this. So according to Vandana, जीवन में, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सब कुछ देता है. लाइक हर एक सूरज से लेके पानी, वाटर, नदी से लेके झाड़ पत्ते से लेके पेड़ पत्तों से लेके फ्रूट से लेके सारी चीजें हमें सिर्फ देना जानती है. इट्स ऑल गिविंग, गिविंग एंड गिविंग. बट जब हमारे अंदर ये मिसअलाइनमेंट हो जाता है और हमारा सिर्फ एक ही चीज रहता है, मकसद रहता है पाना पाना पाना, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, सो दैट इज वेयर वी आर डिसमिस अलाइनिंग जो पूरे ब्रह्मांड का एक लॉ है. गिविंग इज अ लॉ ऑफ द ब्रह्मांड अकॉर्डिंग टू वंदना अरोरा, व्हाट शी सेज दैट. एंड अगर हम सिर्फ सेल्फिश बन के सिर्फ लेना 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 सीखेंगे तो देन इट इज नॉट इन अलाइनमेंट. दैट इज व्हाट वंदना इज शेयरिंग. थैंक यू वंदना फॉर शेयरिंग दैट. आई थिंक गोदुली हैज आल्सो रेज्ड हर हैंड. हु हैज समबडी एल्स आई सॉ दैट रेज्ड हर हैंड? थैंक यू वंदना. समबडी एल्स रेज्ड हर हैंड. किरण सेड व्हेन आई
When my thoughts are the same with what I feel is alignment, talking to friends and family, MS said that. Okay, yeah, Goduli, what you have to share? At times I feel like alignment to the universe before that is like surrendering it to it and then letting it align with the universe. Mm-hmm. Okay. So according to Goduli, surrender is the alignment. और जो भी हम सोचते हैं उसको ब्रह्मांड के पास उस शरण में हमें सौंप देना है एंड दैट इज अलाइनमेंट फॉर हर. ओके थैंक यू Goduli शेयरिंग दैट. व्हाट एल्स एनीबडी एल्स वांट्स टू लाइक टू शेयर एनीथिंग फॉर अलाइनमेंट. यहाँ पे किरण ने कहा है कि व्हेन माय थॉट्स आर द सेम विद व्हाट आई फील इज अलाइनमेंट. या सो बेसिकली जैसे कि एक गाड़ी चलती है और उसके पहिए जो है चारों पहिए एक ही दिशा में जाने चाहिए. जब वो चारों पहिए एक ही दिशा में जाते हैं तो बोलते हैं कि ये गाड़ी अलाइनमेंट में है. नहीं तो व्हील अलाइनमेंट में नहीं है तो गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील्स है वो ठीक नहीं रहेगा. लेफ्ट में रहेंगे तो भी वो स्टडी नहीं रहता है. सो टेक्निकली देयर इज अ प्रॉब्लम कम्स इन द कार व्हेन द कार व्हील्स आर नॉट इन अलाइनमेंट. तो उसी तरह से जैसे कि मेरे अंदर जो भी मैं सोच रही हूँ, मेरे अंदर जो विचार है और वो विचार के बाद जो भी मैं महसूस कर रही हूँ, मेरी जो भी फीलिंग्स आ रही हैं, इज इट इन अलाइनमेंट व्हाट आई एम फीलिंग एंड व्हाट आई एम स्पीकिंग एंड देन आफ्टर दैट इज इट इन अलाइनमेंट फ्रॉम विथ माय वर्ड्स एंड देन इज इट इन अलाइनमेंट विथ माय एक्शन. सो इज माय मनसा वाचा कर्मणा जो संस्कृत में बोलते हैं जिसको कि इज माय थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस आर इन अलाइनमेंट. एट द सेम टाइम व्हाट वंदना सेड दैट वी थिंक अबाउट गिविंग वी डोंट थिंक अबाउट गिविंग एंड वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट रिसीविंग एंड रिसीविंग. बाय द वे गिविंग एंड रिसीविंग इज द सेम एंड उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे कभी और कोई एक सेशन में बात करेंगे. गिविंग एंड रिसीविंग इज द सेम. सो जब हम ये अलाइनमेंट में से मिस करते हैं हमारा अलाइनमेंट उसका मतलब ये है कि जैसे कि मुझे चाहिए कि लाइफ बहुत आसान हो, मुझे सब कुछ आसानी से मुझे नौकरी मिल जाए आसानी से. हम सब क्या नहीं चाहते हो, क्या सब लोग वही चाहते हैं कि आसानी से मुझे नौकरी मिल जाए, आसानी से मेरा प्रमोशन हो जाए, आसानी से मेरी शादी हो जाए, आसानी से मुझे घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, आसानी से सब कुछ हो जाए और एकदम अच्छे से हमारा काम सब कुछ बनता चला चले. तो एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट एक्सपीरियंसिंग लाइफ इन ईज बट एट द सेम टाइम ईच वन ऑफ अस इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ जो हमने अंदर भीतर अपने मन के अंदर ये बिलीफ पाल पोस के बड़ा करके रखा है कि लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल एंड लाइफ इज ऑल अबाउट हार्डशिप and life is all about sweating. अगर ये मैंने belief पालपोस के बड़ा किया है और मैं desire कुछ और चीज की कर रही हूँ, will it be in alignment? And उसके बाद life आसान, मुझे life आसानी से मिलनी चाहिए और मेरे पास सब कुछ आसानी से होना चाहिए. उसके बाद हम मेहनत ही ना करें, अगर उस पर हम energy ही ना डालें तो भी वो क्या alignment है? अगर या फिर मेहनत करे भी तो दिल से ना करें. जाना है ऑफिस में 9 to 6 का जॉब करना है और वापस आना है. हमको क्या है वहां पे जाके बैठना है क्योंकि नौकरी है और पैसा भी मिल रहा है तो जाके बैठना है. सो आर यू इन अलाइनमेंट कि जहां पर आप अपना मन से तो चाहते हो बोनस मिले, ये मिले वो मिले, बट एट द सेम टाइम अंदर कुछ और फीलिंग्स आ रही है. एट द सेम टाइम बाहर की मेरी जो एक्शन जो है उसमें मेरी जान ही नहीं है, फीलिंग्स ही नहीं है. आई एम जस्ट डूइंग फॉर द सेक ऑफ इट. If we are missing this alignment, then how can we progress? And then life becomes struggle. But agar main chahti hoon ki haan mujhe achhi naukri bhi mile aur bonus bhi mile aur main ye belief rakhti hoon ki life is easy, life is very simple for me and life is magical and I believe in this universe, that this universe is my back and this universe is my father or my friend. जब मैं ये strongly believe करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि life simple बन जाए और then उसके बाद मैं उस पर काम करना भी शुरू करती हूँ
वही दिल से कि मैं जो भी करूं तन मन और धन से करूं और आई गिव माय मोर देन 100% इन दैट व्हाट एवर आई डू आई गिव आई बिकम वेरी प्रोडक्टिव दैट थ्रू मी व्हेन आई एम दिस wherever I am at job or even I am a homemaker or I am a retired person, but whatever I am doing, when I am doing it with giving my 100% or more than 100% in complete passion, then my words, my thoughts, my actions, my feelings, my beliefs, everything is in alignment. And when these things are in alignment, automatically universe is going to say, tathastu, tathastu. बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम हम अंदर से बिलीव कुछ और करते हैं और बाहर कुछ और दुनिया रहती है. जैसे कि कई मेरे क्लाइंट्स आते हैं और लड़कियां, स्पेशली यंग लड़कियां, कि अभी हमको लाइफ पार्टनर ढूंढना है, पता नहीं अरेंज मैरिज में कैसा लड़का मिलेगा, क्या होगा. मैं बोलती हूँ अच्छा तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, तो उनकी अपने क्राइटेरिया रहती है, ये होना चाहिए, उसका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, कैरिंग होना चाहिए. ओके, यू नो, एंड देन यू मेक दैट लिस्ट. ओके, देन मैं उनको बोलती हूँ कि आपके लेकिन शादी के लिए विचार क्या है, क्या होता है शादियों, क्या विचार है. तो बोलते हैं कि हाँ लड़कियों की तो जिंदगी क्या, हमने पता नहीं कैसा मिलेगा, कई बार सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं कि हमारा नाक में दम रह जाता है. हमने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने हुए हैं और पेरेंट्स की प्रोग्रामिंग रहती है बचपन से. सो अगर मेरे भीतर शादी के लिए जो बंदा आया भी नहीं है उसकी इमेज पहले से बनी हुई है, जो बंदा मुझे पता भी नहीं कि कौन होगा मेरा लाइफ पार्टनर, बट उसकी इमेज जो है मेरे अंदर पहले से बनी हुई है, जो सास मुझे पता भी नहीं है कि कौन मेरी सास बनेगी, लेकिन वो सास की इमेज और क्वालिटीज मेरे अंदर पहले से बनी हुई है कि सास तो ऐसे ही रहती है, सास के साथ रिश्ता बनाना मतलब ये खड़ूस रहना, ये होगी वो हो सकती है, सास ऐसे ऑर्थोडॉक्स फाइन रहती है, फ्रीडम बहुत कम लोगों को मिलती है, नसीब वालों को मिलती है, पता नहीं हमें मिलेगी कि नहीं. सो शादी आपको करनी है, लेकिन शादी से पहले बिना इवन जाने आपके दिमाग में ऑलरेडी एक छवि बनी हुई है वो हस्बैंड की, ऑलरेडी एक छवि बनी हुई है मदर इन लॉ की, और फिर बाद में क्या चाहिए, बाद में चाहिए लाइफ आसान हो और पति जो मिले वो एकदम प्यारा मिले और प्यार करने वाला मिले. तो क्या दोनों चीज अलाइनमेंट में है? तो माई बिलीफ सिस्टम वर्क्स इन अ वेरी ह्यूज वे कि मेरे अंदर क्या बिलीफ सिस्टम है, इज इट इन अलाइनमेंट विथ माई डिजायर्स, विथ माई वॉट एवर आई एम हैविंग अ विजन, इज इट इन अलाइनमेंट. एंड इफ इट इज नॉट इन अलाइनमेंट आई हैव टू चेक डाउन. प्लीज लेट मी फॉर यू नो पुटिंग योर सेल्फ इन टू एनी प्रोजेक्ट, फर्स्ट जस्ट अलाइन योर सेल्फ दैट वॉट आर माई फियर्स अबाउट दिस, वॉट आर माई बिलीफ अराउंड दिस, वॉट इज माई शुड लिस्ट अराउंड दिस, दैट माई हजबेंड शुड बी जेनरस, माई हजबेंड शुड बी रिच, माई हजबेंड शुड बी दिस. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मैरिज और पार्टनरशिप, बट इट कैन बी एनीथिंग, एनी सब्जेक्ट. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. सो अगर ये जो मेरे अंदर की एक्सपेक्टेशंस जो है, जो एंड रिजल्ट मैं चाहती हूँ, और मेरे अंदर की ऑलरेडी प्रायर बने हुए जजमेंट्स जो है, एंड बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी इन कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट, देन हाउ एम आई गोइंग टू गेट द लाइफ ईजी. सो फर्स्ट अलाइन दैट. Every time, for any purpose, it can be the smallest or the biggest. For any purpose, if you want to go ahead, first you have to go inward. Go inward and check what is your inner being is trying to tell you. What are your strongest belief about this? And uske baad, ab bahar koi bhi action lo. The first thing is, the internal landscape. What is my internal landscape?
अगर मेरा इंटरनल लैंडस्केप में गड़बड़ है तो बाहर का लैंडस्केप कहां से अच्छा बनेगा. तो आई हैव टू एवरी टाइम एनी न्यू प्रोजेक्ट, इवन इफ यू वांट टू ट्रैवल, इवन इफ यू वांट टू सर्च फॉर अ हाउस, इवन इफ यू वांट टू सर्च फॉर अ जॉब, इवन इफ यू वांट टू सर्च फॉर ड्रीम बंगलो, वॉट एवर प्रॉपर्टी खरीदनी है, जो भी खरीदनी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है आउटस्कर्ट्स ऑफ ये, यू नो, मैं मेरा ही एग्जाम्पल देती हूँ. मुझे बहुत इच्छा है, अभी तक मैंने एक्शन नहीं ली उस पर, लेकिन मुझे बहुत इच्छा है कि मेरा एक मस्त सुंदर सा बंगलो मुंबई से थोड़ा ही दूर, और जहाँ पे मैं रिट्रीट्स ले सकूँ हर वीकेंड, और वहाँ पे ये यू नो नेचर के अंदर पेड़ों के बीच में बैठ के हम गार्डन में लॉन में बैठते हम ऐसे सेशंस ले सके, ऐसी मेरी बहुत मेरा एक अंदर का विजन है. ओके, नाउ ये विजन है वो अच्छी बात है, राइट? बट देन आई हैव टू गो विद इन एंड आस्क माई सेल्फ, what are the beliefs and what are the stories you have heard from the childhood. And then when I start writing about it, then I realized ki oh bahar gaon maine suna hua hai, meri my mother-in-law, especially mother-in-law, when we say that, especially she tells that kabhi aise extra property leni nahi chahiye, usme choriyan ho sakti hai, it's an extra burden, ya usko maintain kaun karega, हम मेंटेन नहीं कर पाए तो, और सब लोग घुस जाते हैं और हमें पता नहीं चलता, और ब्ला 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 ब्ला, लोन लेनी नहीं चाहिए, लोन लेना अच्छी बात नहीं है, पैसों का लोन लेना, अपने सर पे कर्जा लेना अच्छी बात नहीं है, एंड बहुत सारी चीज़ें. सो ऑलरेडी मेरे अंदर एक स्टोरीज बना के एक लैंडस्केप बनाया गया है कि ये जो प्रॉपर्टीज लेना है वो सरदर्द है. और अगर मेरे अंदर ये प्रोग्रामिंग डाला गया है और भीतर ही भीतर मुझे भी डर लग रहा है कि ओ मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, मेरा एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा, और ये सारे डर मेरे अंदर जो छिपे हुए हैं, जो स्टोरीज मैंने छिपी हुई है, वो स्टोरीज जब बाहर आती है तब पता चलता है कि कैसे होगा. फिर मैं बंगलो 50 बंगलो ढूंढूंगी ना, एक भी बंगलो मुझे पसंद नहीं आएगा, या एक भी बंगलो में मेरी डील नहीं बनेगी. क्यों नहीं बनी डील? क्योंकि मेरे इंटरनल लैंडस्केप पे मैंने काम ही नहीं किया. तो सबसे पहले मुझे मेरे इंटरनल लैंडस्केप पे काम करके उसमें जो ट्यूनिंग करने की जरूरत है, जो रिलीज करने की जरूरत है, जो फियर्स रिलीज करने की जरूरत है, जहां पे लैक ऑफ ट्रस्ट है वो रिलीज करने की जरूरत है, जहां पे लिमिटेड थॉट्स है, ड्रेनिंग एनर्जीज है, उसको रिलीज करने की जरूरत है, वहां पे क्लीन अप करने की जरूरत है. वो इंटरनल लैंडस्केप को पहले मुझे क्लीन करना है, देन माई एक्सटर्नल रियालिटी बिकम्स वेरी ईजी. And then I can attract things very fast because now I am in alignment. My inner self and my outer self, which is performing action, they both are in alignment. So this is where we miss the bus. So whatever you are trying for, whatever you are applying for, either you are a student and applying for an exam, पूछो अपने आप को कि ये एग्जाम आप क्यों दे रहे हो. क्योंकि आपका मम्मी पापा का प्रेशर है. आप जो पढ़ाई कर रहे हो, क्या आपको भरपूर बहुत दिलचस्पी है और ऐसा लगता है कि वाओ मैं रात को जागूंगा ना तो चलेगा, लेकिन मुझे पढ़ना है, मैं बहुत क्यूरियस हूँ. आर यू दैट क्यूरियस अबाउट योर स्टडीज? आर यू सो मच इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट व्हाट यू आर स्टडीइंग? और इज इट जस्ट बिकॉज आपके फ्रेंड्स ने बोल दिया कि ये अच्छा है तो मैंने ले लिया, या आपके माँ बाप ने बोला कि ये अच्छा है इसमें पैसा है तो ले लिया? किस वजह से आप पढ़ाई में हो और क्यों पढ़ाई कर रहे हो? जहां पर भी हो, जो भी फील्ड में हो, जस्ट चेक योर इनर इंटरनल लैंडस्केप एंड देन गेट अलाइंड विद द इंटरनल लैंडस्केप, द इनर ब्यूटी एंड द आउटर ब्यूटी. व्हाटएवर वंस द इनर ब्यूटी इज रिफाइंड, then outer beauty automatically is beautiful. But agar andar kachra hai, to wo kachra bahar aana hi hai. And then you get turbulences. Then you get unnecessary pressure of exam, pressure of performance. Achanak se aapki health bigad jana, jab exam aati hai. All this is happening is because my inner reality and my outer reality are not in alignment. So
मनसा वाचा और कर्मणा तीनों से मैं अलाइनमेंट में हूं। मनसा यहां पर उसका मतलब मैं वो लूंगी कि मेरे बिलीफ सिस्टम और मेरे विचार दोनों। सो आई इनवाइट ऑल ऑफ यू एंड आई वुड लव ऑल ऑफ यू टू गो विद इन। और एक चीज चेक कीजिए, जो आपके सबसे प्यारे अभी आप जो कर रहे हो, जिसमें आप सबसे ज्यादा अटेंशन डाल रहे हो, सबसे ज्यादा समय डाल रहे हो, सबसे ज्यादा एनर्जी डाल रहे हो, अभी आप जो भी कर रहे हो उसमें, जो भी कर रहे हो वो चीज में आपका इनर अलाइनमेंट कैसा है और आउटर एक्शन कैसी है। एंड यू विल बी गाइडेड, यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट इट, वेदर इट इज इन अलाइनमेंट और अलाइनमेंट इज मिसिंग। So, before we end the session, let us do a small meditation. So, let us close our eyes again. And let us take a deep breath. Taking a deep breath in and let us ask ourselves कि मैं कहां पर मेरी सबसे ज्यादा एनर्जीज डाल रही हूं, अटेंशन है मेरा, कौन सी चीज में सबसे ज्यादा समय में बिता रही हूं, और वो जो भी चीज है जिसमें मैं कर रही हूँ, इट कैन बी कुकिंग, इट कैन बी टेलरिंग, इट कैन बी प्रोफेशनल लाइफ, इट कैन बी रिटायर लाइफ, इट कैन बी एनीथिंग, जहां पर मैं सबसे ज्यादा समय बिता रही हूँ, एम आई ट्रूथफुल टू माई सेल्फ? क्या मैं दिलो जान से वो चीज पे काम कर रही हूं? अपने आप से हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, कि मेरे भीतर के बिलीफ सिस्टम क्या है, मेरे भीतर के जजमेंट्स क्या है, मेरे भीतर की कहानी क्या है, व्हाट इज द स्टोरी आई हैव क्रिएटेड इनसाइड मी? और मैं कौन सा बिलीफ लेके चल रही हूं कि इट इज इजी, इट इज सिंपल, या मेरे अंदर बिलीफ है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज इम्पॉसिबल, आई कांट डू इट, इट इज फुल ऑफ स्ट्रगल। बड़ा मुश्किल है, और जब ये आपकी अवेयरनेस में आ गया है, अवेयरनेस इज हीलिंग, अवेयरनेस इज हीलिंग, जब आपके चैतन्य में इसकी भास आ गई है, तो अभी आप क्या करना चाहेंगे, कौन से बिलीव्स और कौन से थॉट्स को एनर्जी देना चाहेंगे? कौन सी कहानी को एनर्जी देना चाहेंगे? क्या आप अपने डर को पाल पोस के बड़ा करना चाहेंगे या डर को निकालना चाहेंगे? क्या आपसे आज से आप अपनी मान्यताएं बदलने के लिए तैयार हो?
क्या आप ये मानने के लिए तैयार हो कि लाइफ इज इजी, लाइफ इज सिंपल, लाइफ इज फन, लाइफ इज जॉय? Life is easy, life is simple, life is fun, life is joy. Life is easy, life is simple, life is fun, life is joy. कैसा लगेगा अगर आप यह बिलीफ अपना कर लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो? आर यू रेडी? आर यू रेडी टू चेंज? यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड वी कैन 100% गेट मोर बाय डूइंग लेस इफ वी चेंज अवर बिलीफ सिस्टम. We can attract more and more and more. All we need is an alignment. Alignment with our beliefs and alignment with our desires. Change the internal landscape. Change, experience the different outer beauty. So, हे परमपिता परमेश्वर, हे परवरदिगार, दिलो जान से हम आपको प्रार्थना करते हैं कि जहां पर भी मुझे बदलने की जरूरत है अपने भीतर से, मैं बदलने के लिए तैयार हूं. मैं बदलने के लिए तैयार हूं. रिपीट आफ्टर मी इन योर माइंड. अपने दिल से बोलिए. जो भी करना है दिल से करना है. अगर दिल नहीं बोलता तो कुछ नहीं करना. दिल से बोलिए, मैं बदलने के लिए तैयार हूं. मैं भीतर से बदलने के लिए तैयार हूं. मैं भीतर से बदलने के लिए तैयार हूं. और हे परमपिता परमेश्वर, बस हमें श्रद्धा देना, भक्ति देना, शक्ति देना कि इस राह पर हम चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, बड़े विश्वास से चलते रहे, चलते रहे. हमें अपने आप पे भरोसा रहे और हम चलते रहे, खेलते रहे, कूदते रहे, नाचते रहे और चलते रहे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड आई लव यू. थैंक यू एंड आई लव यू. थैंक यू एंड आई लव यू. धीरे धीरे हम, लेट अस कम बैक. Let's pick up the mirror. और मिरर में, आईने में अपने आप को, आईने में अपने आप को देखते हुए कहेंगे, Yes, I am ready to change. I am ready to change. I am ready to change. I am eager to change. I am eager to change. I am ready to change. I am eager to change. I am ready to change. I am eager to change. I am ready to change. I am eager to change. It's fun to change. It's joy to change. It's fun to change. It's joy to change. It's fun to change. It's joy to change. I love to change. I love to change. I'm open 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 to change. I love to change. I'm ready to change. I'm ready to change. I'm ready to change. I'm ready to change. Yay! So are you ready? And then all our vision gets manifested when
the internal alignment and outer alignment are aligned. So best of luck to all of you. Be on this journey of alignment and all the best to all of you. ये रविवार को हमारी विजन की वर्कशॉप है, सुबह में 9 बजे से लेके 2 बजे तक, और जिसको भी अभी भी जुड़ना है वो जुड़ सकता है. अगले हफ्ते आई थिंक 18 तारीख से हम शुरू करेंगे मैनिफेस्ट चैलेंज अगेन, जो हमने शुरू की थी पहले 5 दिन की फ्री मैनिफेस्ट चैलेंज हमने नवंबर में रखी थी, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. वापस दिसंबर में, बिफोर वी एंड दिस ईयर, लेट अस अगेन वंस मोर हैव मैनिफेस्ट चैलेंज, ताकि 2024 को हम ग्रैंड वेलकम करें विथ अ न्यू विजन इन कंप्लीट ग्रेटिट्यूड. वी आर इन अलाइनमेंट एंड वी मैनिफेस्ट अवर 2024 इन अ ग्रेट गस्टो. So I welcome all of you. जितने लोगों ने already जुड़ा हुआ है वो लोग भी वापस join कर सकते हैं. At the same time सबको आप please spread कीजिएगा. I will be sharing the date soon, but manifest वाली 5 दिन की वो free workshop वापस होगी ये महीने में. So thank you very much and I love you. Thank you Shreya ji, very nice session. Thank you Shreya ji. Thank you, ma'am. Thank you so much for the lovely session again. Thank you, Shreya. Thank you. We love you. Thank you. And I love you. Thank you. You know, Shreya, the mother current has just come back today after 1 week. Can you imagine that? After the cyclone, 5:15 ko mujhe wapas aaya. Right. Yeah, in Chennai mein cyclone. Aap Chennai se ho na? Yes, Shreya. I'm from everything Chennai. Everything is safe and all. Yes, I'm grateful to the divine and the cosmic energy. Yes, I'm safe and sound without the current, with the generator on. Now and then, Wi-Fi not working, this not working, servants not there. Shukar hai. It's like that. Shukrana. Everything. Yes, shukrana or yes. Muskurana. Muskurana. Yes. Shukrana or Muskurana. Thank you so much. Thank you. And I love Thank you. Thank you. Love you, Shreya. Thank you so much. Love you. Love you. Thank you.